उसके पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। आजकल सिक्के बिछाने के लिए फॉर्म चार्जेस, बैंक चार्जेस अथवा रजिस्ट्रेशन शुल्क के नाम पर ठगी की जा रही है। आप सावधान रहें। हमेशा याद रखें, सिक्के बेचने के लिए पैसे नहीं देना है और पूरी दुनिया में एक भी ओरिजिनल ओल्ड कॉइन बायर कंपनी नहीं है। सिक्के बिछाने के नाम पर नाजियानी, द करेंसी पीडिया अथवा द करेंसी पीडिया के एम्प्लॉय के नाम से कोई भी पैसों की डिमांड करता है, तब आप तुरंत समझ जाइए कि वह फ्रॉड है। सही, सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप द करेंसी पीडिया के सभी वीडियो देखें। आइए शुरू करते हैं। सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है राजज्ञानी और आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद, विश्वसनीय, सच्चाई और ईमानदारी में नंबर एक, विश्व भर में ख्याति प्राप्त द करेंसीपीडिया। एक बार फिर से दिल से स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी करेंसी की दुनिया द करेंसीपीडिया पर। दोस्तों, आप में से कई लोग हैं जो अपने सिक्के बेचना चाहते हैं और हमसे बार बार पूछते हैं कि एग्जीबिशन कहाँ लग रही है, क्या सिर्फ दिल्ली और मुंबई में ही एग्जीबिशन लगती है। तो आज हम आपको एक साथ आने वाली 12 एग्जीबिशन के बारे में बताने वाले हैं, तो कृपया आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आप जिस शहर में रहते हों उसी शहर की जानकारी हम देने वाले हों और आप स्किप कर दें तो वो आपकी जानकारी निकल जाएगी और आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि आपके शहर में भी एग्जीबिशन लगने वाली है। तो बैठ जाइए इत्मीनान से, और ठंड का माहौल चल रहा है, अगर एक चाय की प्याली हो आपके हाथ में और उसके बाद वीडियो देखें तो मज़ा ही अलग आएगा। तो अगर घर में कोई हो तो आप चाय बनवा लीजिए, और ना हो तो पहले आप जाके चाय बनाइए, एक प्याली लाइए और बैठिए आराम से, और उसके बाद वीडियो देखिए, मज़ा आएगा। और हाँ, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कर ही लीजिए, क्योंकि बहुत दिन हो गए होंगे आपको वीडियो देखते देखते, चैनल अच्छा लगने लगा होगा आपको, और हर बार आप यही सोचते होंगे कि ठीक है हम सब्सक्राइब कर लेंगे, लेकिन आप करना भूल जाते होंगे। तो आज सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिन जिन ने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है उनके तो हम शुक्रगुजार है ही सही, उनके ऋणी हैं हम कि उन्होंने हमें काफ़ी दिनों पहले से ही सब्सक्राइब कर दिया। और ख़ास करके हम उनका धन्यवाद अदा करना चाहेंगे जो हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करते हैं, जो हमारे सिल्वर मेंबर हैं, गोल्ड मेंबर हैं और डायमंड मेंबर हैं, उन सभी का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। उनके द्वारा दिए जा रहे भरपूर प्यार और सपोर्ट की वजह से हम हमारे चैनल को बहुत अच्छे से चला पा रहे हैं और आपके सामने हम ज़्यादा संख्या में वीडियो पेश कर पा रहे हैं। आज भी हम आपको जो वीडियो पेश कर रहे हैं, अभी हम बैठे इंदौर में और बस ये वीडियो शूट करेंगे, अपलोड करेंगे और हम निकल चलेंगे एग्जीबिशन के लिए। तो सबसे पहली मुलाकात होगी आपकी और हमारी नासिक में। हो सकता है कि आप वीडियो देख रहे हो और हम नासिक में बैठे हों, और हो सकता है कि आप वीडियो देख रहे हो और हम भी यहाँ से निकलें और आप भी निकलें और नासिक में मुलाकात हो जाए। तो आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए हम आपको एक साथ आने वाली 12 एग्जीबिशन के बारे में बताने वाले हैं, और आप चाय तो बना के ले ही आए होंगे या आपके हाथ में प्याली आ गई होगी चाय की। तो शुरू करते हैं। 2023 में सबसे पहली जो एग्जीबिशन लगने वाली है वो है रेयर फेयर 2023 नासिक में, 6, 7 और 8 जनवरी 2023 को, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। समय रहेगा 10 बजे से 6 बजे तक। वेन्यू है मनोहर गार्डन एंड बैंक्वेट्स, अपोजिट इंदिरा नगर टनल, गोविंद नगर कॉर्नर, मुंबई आगरा हाईवे, नासिक। तो दोस्तों, यदि आप नासिक आ रहे हैं, नासिक में हमसे मिलने आ रहे हैं, तो हमारे साथ हमारे कुछ मित्र, हमारे कुछ जान पहचान वाले जो विक्रेता बंधु हैं, जो डीलर्स हैं, वह भी आ रहे हैं नासिक कॉइन एग्जीबिशन में। यदि आपको सबसे अच्छा स्टॉल देखना हो तो आप स्टॉल नंबर 11 और 12 पर ज़रूर जाएं। नवीन भाई शाह का यह स्टॉल रहेगा, स्टॉल नंबर 11 और 12। यहाँ पर आपको बर्थडे नोट, फैंसी नोट और बहुत सारी चीज़ें, एसेसरीज, स्ल्यू और स्पेशल डेट के एल्बम, ये सारी चीज़ें मिलेगी। बहुत ही अद्भुत कलेक्शन है इनका, तो आप ज़रूर जाएँ स्टॉल नंबर 11 और 12 पर, और वहाँ पर आप राजज्ञानी का नाम लें, हो सकता है आपको वहाँ पर कुछ स्पेशल डिस्काउंट भी मिले या कुछ एक्स्ट्रा गिफ्ट भी मिलेगी। इसके अलावा यदि आपको अपने कलेक्शन के लिए रिपब्लिक कॉइन या नए यूएनसी सिक्के चाहिए तो आप संदीप आसर जी के स्टॉल नंबर 34 पर जा सकते हैं, यहाँ पर भी आपको मेरा नाम लेने पर कुछ ना कुछ स्पेशल ज़रूर मिलेगा। और आप चाहें, यदि आपके पास समय हो तो आप स्टॉल नंबर 27 भी ज़रूर विजिट करें,
यहाँ पर आपको मिलेंगे सुरेश पोरवाल जी, और ये बर्थडे नोट और स्पेशल डेट के नोट का काम करते हैं। यहाँ पे भी आप जाकर बहुत अच्छे से अपने कलेक्शन के लिए अपनी डेट ऑफ बर्थ के नोट और वेडिंग एनिवर्सरी के नोट ले सकते हैं वाजिब दाम पर। और यदि आपको अपने सिक्के बेचना है या आपको यूएनसी कॉइन खरीदना है या अलग अलग चीज़ें खरीदना बेचना है, तो आप स्थल नंबर 35 पर पप्पू प्रेम जी से संपर्क कर सकते हैं, और वहाँ पर भी आपको राजज्ञानी का नाम लेने पर कुछ ना कुछ स्पेशल ज़रूर मिलेगा। तो आप आइए नासिक कॉइन एग्जीबिशन में और मिलते हैं हम। और अगली एग्जीबिशन लग रही है 6, 7 और 8 जनवरी 2023 को ही, जेम कॉइन 2023 जमशेदपुर में। वेन्यू है तुलसी भवन बिस्तुपुर जमशेदपुर झारखंड। समय वही रहेगा 10 बजे से 6 बजे तक। 13, 14 और 15 जनवरी को एक साथ दो एग्जीबिशन लग रही है। पहली लग रही है दिल्ली मुद्रा उत्सव 2023 न्यू दिल्ली में। इसका भी समय रहेगा 10 बजे से शाम के 6 बजे तक। वेन्यू है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया, ये जो पटेल चौक का मेट्रो स्टेशन है उसके पास में पड़ता है। रफी मार्ग बिहाइंड RBI संसद मार्ग न्यू दिल्ली 110001। और 13, 14 और 15 जनवरी 2023 को ही एक और एग्जीबिशन लग रही है, न्यूएस फिला 2023 मालापुरम में, ऑर्गेनाइज बाय मालापुरम न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी। 14 और 15 जनवरी दो दिन के लिए लग रही है यह, शनिवार और रविवार को। समय वही रहेगा 10 बजे से 6 बजे तक। वेन्यू है MSP कम्युनिटी हॉल मालापुरम केरला 676505। और जनवरी की आखिरी एग्जीबिशन लग रही है 26, 27, 28 और 29 जनवरी, पूरे 4 दिनों के लिए यह एग्जीबिशन लग रही है, गुरुवार शुक्रवार शनिवार और रविवार। 26 जनवरी को क्योंकि छुट्टी रहती है इस वजह से यह 4 दिनों का नागमणि 2023 नागपुर में जो एग्जीबिशन लग रही है, यहाँ का पता है राम गोपाल माहेश्वरी सभागृह डिसाइड मोर भवन बस स्टैंड सीता बुल्डी झांसी रानी स्क्वायर नागपुर 44001। फरवरी की सबसे पहली एग्जीबिशन लग रही है अहमदाबाद में कॉइनेक्स 2023 के नाम से। गुजरात कॉइन सोसाइटी यह एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज कर रही है 3, 4 और 5 फरवरी 2023 को। वेन्यू है सरदार पटेल सेवा समाज हॉल नियर मीठा खली 6 रोड अहमदाबाद। फरवरी में 11, 12 और 13 को कोवी कॉइन एक्सपो लग रहा है, अशोका प्रेमा कल्याणा मांडापम 217 शास्त्री रोड रामनगर कोयम्बटूर 641009। एक और एग्जीबिशन लग रही है 11 से 15 फरवरी तक, 11, 12, 13, 14 और 15 पूरे 5 दिन के लिए एग्जीबिशन लग रही है, प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में। बड़ी एग्जीबिशन होती है ये प्रगति मैदान में, वैसे ही बड़े बड़े एग्जीबिशन लगते हैं, तो वहाँ पे भी कॉइन एग्जीबिशन पूरे 5 दिन के लिए लगेगी। अमृत टेक्स 2023 14th नेशनल न्यूमिस्मेटिक एग्जीबिशन NNE बेंगलुरु में लग रही है, मरुधर आर्ट्स बेंगलुरु की तरफ से 24, 25 और 26 फरवरी 2023 को केम्पे गोडा रोड अपोजिट टू कावेरी भवन नागराज पेट बेंगलुरु कर्नाटका में ये एग्जीबिशन मरुधर आर्ट्स वालों की तरफ से लगाई जा रही है 24, 25 और 26 फरवरी 2023 को। बीकानेर में पहली बार फर्स्ट नेशनल लेवल एग्जीबिशन लग रही है मरुधर आर्ट्स बेंगलुरु की तरफ से 7, 8 और 9 अप्रैल 2023 को। वेन्यू अभी तक डिसाइड नहीं हो पाया है, जैसे ही वेन्यू डिसाइड होगा हमें खबर लगेगी, हम आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन बीकानेर में एग्जीबिशन लग रही है, नेशनल लेवल की एग्जीबिशन पहली बार लग रही है मारुदर आर्ट्स की तरफ से। तारीख है 7, 8 और 9 अप्रैल 2023। शुक्ला डे फेयर 2023 मुंबई में लग रहा है 14, 15 और 16 अप्रैल 2023 को। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कप परेड मुंबई में, तो यदि आप 14, 15 या 16 अप्रैल को मुंबई में हो या मुंबई जा रहे हो, तो आप एग्जीबिशन के लिए भी समय निकालें और शुक्ला डे फेयर देख कर आएँ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में। कलकत्ता में लग रही है कॉइन एक्सपो 2023 28, 29 और 30 अप्रैल को, हल्दीराम बैंक्वेट हॉल
आशुतोष चौधरी एवेन्यू, वालीगंज पार्क, कोलकाता, वेस्ट बंगाल में, कॉइन एक्सपो 2023 28, 29 और 30 अप्रैल को। तो देखा दोस्तों, आपको हमने एक ही वीडियो में आने वाली एग्जीबिशंस की जानकारी दे दी। आप ज़रूर से समय निकाल के कम किसी न किसी एक एग्जीबिशन में जाएं। हम भी कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा एग्जीबिशंस अटेंड करने की, लेकिन फ़िलहाल हम आपको इस वीडियो के माध्यम से यह कन्फर्म कर दें कि हम फिलहाल नासिक वाली कॉइन एग्जीबिशन में आ रहे हैं, वो भी सिर्फ 2 दिन के लिए, मतलब 6 तारीख और 7 तारीख। और 6 तारीख को भी हम लंच टाइम के बाद आपसे मुलाकात कर पाएंगे और 7 तारीख को हम पूरा दिन आपसे मुलाकात करेंगे। तो यदि आप हमसे मिलना चाहते हैं तो आप 6 तारीख को लंच के बाद या 7 तारीख को सुबह से लेकर शाम तक, जब आपके पास समय हो, आप आइए, हमसे मुलाकात कीजिए। हमें भी बहुत अच्छा लगेगा और हमें आशा है आपको भी हमसे मिलकर अच्छा लगेगा। कुछ ज्ञान का आदान प्रदान होगा, कुछ सिक्के आपके पास ऐसे होंगे जो मेरे कलेक्शन में नहीं होंगे तो वो मैं सिक्के आपसे ख़रीद भी सकता हूँ। कुछ ऐसे नोट जो मेरे कलेक्शन में नहीं होंगे, यदि आपके पास वह नोट होंगे तो वह नोट भी मैं आपसे ख़रीद सकता हूँ। क्योंकि अब मैं भी बहुत ज़ोर शोर से लगा हूँ अपने कलेक्शन को पूरा करने के लिए, तो मैं भी एक लिस्ट लेके आऊँगा कि मुझे कौन कौन से सिक्के और नोट चाहिए, और उनमें से यदि आपके पास कोई भी सिक्का या नोट होगा तो मैं आपसे अच्छी कीमतों पर अपने कलेक्शन के लिए ख़रीद लूँगा। वैसे मैं आपको हर बार बताता हूँ कि हमारा काम सिक्के बिकवाने का, सिक्के बेचने का, ख़रीदने का नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपने कलेक्शन के लिए, पर्सनल कलेक्शन के लिए, म्यूजियम बनाने के लिए सिक्के और नोट ख़रीदता रहता हूँ। तो इस बार भी मैं ख़रीदने के मूड से आ रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ वही नोट और वही सिक्के ख़रीदूँगा जो मेरे कलेक्शन में नहीं होंगे। तो आप आइए, हम मिलते हैं, कुछ बातें करेंगे, कुछ ज्ञान का आदान प्रदान करेंगे, मज़े करेंगे। तो मिलते हैं नासिक में। आज के लिए बस इतना ही। बहुत ही जल्द फिर मिलते हैं एक नए रोचक, अद्भुत व ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, आपके अपनों के लिए, हमारे लिए, देश के लिए और दुनिया के लिए। और हाँ, मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि आप कैमरे की नज़र में हैं और ईश्वर आपको देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।